हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में, जो आपकी वैकेंसी निकली है, एक आपकी मेडिकल विभाग से निकली है, उसके बारे में बात करेंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है, आपकी कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं, ठीक, आप कब से लेकर कब तक आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के एंड तक मिलेगी। तो आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को एंड तक देखें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको जो महत्वपूर्ण लिंक होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को वैकेंसी की जरूरत रहती है आप उनको ये हमारे चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो उसके ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हमारे 6 पेज का है, ठीक है, वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसमें थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं टावर, बेनफिश टावर पे आप जाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर भी दे रखा है यहाँ पे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आप कर सकते हैं 3/11/2020 से लेकर 7/11/2020 के बिफोर 8 बजे तक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूल नेसेसरी पर्टिकुलर फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ, देख सकते हैं सैलरी आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपको दे रखी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आपकी आ रही है टोटल हमारी 47 पोस्ट हैं। यहाँ पे आपको अनरिजर्व कैटेगरी SC ST OBC OBCB OPWD टोटल वैकेंसी आ रही है इन सब की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी की लिस्ट है, आप चाहे तो पॉज करके भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपको लगता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी आप रीड कर लीजिएगा, समझ सकते हैं जिस वैकेंसी के आप एलिजिबल उसी के हिसाब से आपको वैकेंसी के लिए आवेदन करना होगा। 891 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देते हैं थ्रू वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड, मेडिकल आप ग्रेजुएट होना जरूरी है, जो कि आप BBS है एंड हैव रिसीव परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल से, ठीक है, या फिर MCI से। एकेडमिक और एक्सपीरियंस की बात करते हैं, एसेंशियल आपका दे सकते हैं MBBS डिग्री होना चाहिए MCI रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अकॉर्डिंग विद द रेगुलर मेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इंक्लूड द फर्स्ट सेकंड शेड्यूल पार्ट टू द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, ठीक है। वेटेज दे सकते हैं विल बी गेंट जिनको दिया जाएगा, कैंडिडेट होल्डिंग रिकॉग्नाइज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद द डिसिप्लिन अंडर द स्पेशलाइजिंग ग्रुप एंड रिकॉग्नाइज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिसिप्लिन अंडर द सुपर स्पेशलिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो उन्हीं को यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया है। डिजायरेबल देखते हैं पब्लिकेशन पीयर्स रिव्यू जनरल इंडेक्स मेडिकल और जनरल नेशनल लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट ग्रुप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी सुपर स्पेशलिस्ट ग्रुप के बारे में यहाँ पे दे रही है, एक्सप्लेनेशन के बारे में जानकारी दे रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एज रखिए नॉट मोर देन 45 होना चाहिए 1 जनवरी 2020 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट में आपको दे सकते हैं जो आपका स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड क्वालिफिकेशन द पीरियड ऑफ सच सर्वाइव और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 ईयर का रहेगा, ठीक है, जो आपकी रहेगी 5 ईयर की रहेगी। प्रोवाइड टू एज रिलेक्शन आपको SC ST अदर बैकवर्ड क्लास के लिए रहेगा। यहाँ पे आप फ्रेंड फीस की बात कर लेते हैं, जो कि 210 रुपये रहेगी, ठीक है, जो कि स्टेट आपको वेस्ट बंगाल के इस अकाउंट में जमा करानी होगी, ठीक है। अदर चेक या बैंक ड्राफ्ट के नाम से भी किसी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो जानकारी आ रही है आप उसको रीड कर सकते हैं अपनी, ठीक है। आपको दे सकते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बता रखा है, MBBS डिग्री को 50 मैक्सिमम एंड बी पासिंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नॉन मेडिकल सब्जेक्ट 40 पासिंग हैविंग MD MS इन कंसल्ट 25 मिलेगा और बी आपको दे सकते PhD इन मेडिकल सब्जेक्ट रिलेवेंट नॉन मेडिकल कोर्स 5 मिलेंगे। पब्लिकेशन इंडेक्स जनरल आप दे 10 एक्सपीरियंस हेल्थ सर्विस 1 मैक्सिमम 1 ईयर का, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी आ रही है जो कि आप दे सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कब से कब तक कर सकते हैं, 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े, ऐसी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। और अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसके बारे में जरूर इसको बता सकते हैं। वीडियो देखने के फ्रेंड धन्यवाद।